हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा लाइफस्टाइल। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं राखियाँ खरीदने के लिए आई हूँ रामकृष्ण मठ के पास। आईटी चौराहे पर ये लगती हैं राखी की दुकानें, बहुत ही खूबसूरत। और आप देख रहे हैं लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और मैंने राखियाँ ले ली हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं और आप देख सकते हो कि कितनी सारी खूबसूरत और अलग अलग डिज़ाइन की राखियाँ लगी हुई हैं। एंड फाइनली मैंने राखी ले ली है। और दोस्तों, जिनको भी राखियाँ लेनी है उनको मैं एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि सारी दुकानों पे अगर आप जा रहे हैं तो 4-5 दुकानों पे ज़रूर देखें, जिससे कि आप रेट कंपेयर कर सकें। क्योंकि कुछ लोग जो है सेम चीज़ को 100 रुपीज़ में दे रहे हैं, कुछ लोग उसी चीज़ को 30 रुपये में दे रहे हैं, तो आपके 70 रुपये वेस्ट हो सकते हैं। एक चीज़ पर वो लोग आपके पैसे खा सकते हैं, और इसके लिए आप अपने पैसे बचाएं। स्पेशली ये दुकानें जो हैं यहाँ बीच वाली, जो ये कुछ शॉप्स हैं, इनमें गड़बड़ है प्राइस वाइज। ये लोग यू नो प्रोडक्ट को, राखी को, एक राखी का प्राइस 70-80 रुपये बता रहे हैं, जबकि उसका 20-30 रुपये ही है केवल। तो ये जे बेकर्स के जस्ट अपोजिट में है, आप देख रहे हो, और हल्की सी रोशनी मैं आपको दिखा दूँ, आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये जो आईटी पे जे बेकर है, एंड कुछ दुकानें इस तरफ भी लगी हुई हैं जिधर कपूरथला के लिए पुल गया हुआ है। और ऐसे इधर इतने अच्छे डिज़ाइन और धागे नहीं मिलेंगे आपको, और अच्छी अच्छी दुकानें आपको निशातगंज में भी मिल जाएंगी। तो आप कपूरथला पर भी बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर ये छाते बिक रहे हैं, और बच्चों के लिए रेनकोट भी यहाँ पर बिक रहे हैं स्कूल जाने के लिए। एंड आगे डेकोरेटिव आइटम्स बिक रहे हैं, देख रहे हैं आप, रक्षाबंधन के लिए कितने प्यारे प्यारे गमले हैं, छोटे छोटे। वाओ, आप बताइए ये कितने का है? ये 900। अच्छा जी, और ये वाला छोटा वाला? 150। अच्छा, 150 का है। और इसमें ऑफिस में रखने के लिए वो जो बड़े वाले हैं उधर, ये जिसमें सफ़ेद और गुलाबी फूल लगे हैं, वो कैसे हैं? 550 का। अच्छा, देंगे कितने में आप? वो लग जाएगा आपको 500 का। जोड़ा या सिंगल? सिंगल सिंगल, एक बार देख लेते हैं। और इसमें सबसे कम रेट का कौन सा है, स्टार्टिंग किस रेट से? यही कम रेट में। अच्छा, और दी का लगा देंगे। और ये वाला 450। ये सुंदर लग रहा है, ये जो ये भी अच्छा लग रहा है, ये दिखाइए तो। या मैं दिखा लूँ जरा? एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर ये फ्रूटी फ्लावर्स भी हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेड़ हैं, और फ्लोरल भी हैं, आप देख सकते हो। तो मैं अपने लिए ज़रूर लूँगी डेफिनेटली। और ये मल्टी कलर में पेस्टल शेड में फूल लगे हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े डेकोरेटिव, ये बहुत ही डेकोरेटिव फ्लावर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। एंड उसके आगे आपको क्रॉकरी मिल जाएगी, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। ये जस्ट विवेकानंद और आईटी कॉलेज के पास है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कप के डिज़ाइन में भी यहाँ पर गमले रखे हुए हैं, बहुत सुंदर। और इनका प्राइस 300 रुपये से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ आप क्रॉकरी के बर्तन एंड कप भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही कलरफुल दोस्तों। तो ये ऑल टाइम 12 महीने ये शॉप यहाँ पर लगी रहती है, इसके जस्ट अपोजिट में ये कॉलेज है, आईटी कॉलेज। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। और ये जो तुलसी के बिरबे यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर, तो इनका जो प्राइस है वो 500 रुपये है बार्गेनिंग करने के बाद। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है ही। तो आगे मैं जब भी मार्केट निकलूँगी, कुछ ऐसी कोई चीज़ें होंगी जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी होगी, तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप ये देख रहे हो मेरी फेरी को यहाँ पर, ये अंधेरे में है, एक्चुअली दिख नहीं रही हैं, लेटी हुई हैं। जी हाँ, ये आराम कर रही हैं, आज इन्होंने नहाया है, इस वजह से ये ना बहुत नखरे कर रही हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं। जिनको ये बाबू बुलाती हैं आज, उनसे भी बात नहीं कर रही हैं दोस्तों। उन्होंने ही नहलाया है, उनसे नाराज़ हैं ये, अपने डैडी से नाराज़ हैं ये। तो
और यहाँ आप देख सकते हैं लिवर और पेट रोग केंद्र है ये, ग्लोब मेडिकेयर, अच्छा हॉस्पिटल है बट बहुत एक्सपेंसिव है। पेट की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। और पहले यहाँ पे WLC कॉलेज हुआ करता था, अब यहाँ अपार्टमेंट बन रहा है। एंड अब हम जा रहे हैं कपूरथला, और आप ये देख रहे हैं ये है चांदगंज क्रॉसिंग। एंड यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल्स बहुत सारे हैं जिन लोगों को कपूरथला के चाहिए। इनका ये आप देख सकते हो जागृति हॉस्टल, और ये तो बिल्कुल पुल से सटा हुआ है। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, तो अब हम जा रहे हैं। हॉस्टल्स एंड PG भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं दोस्तों, क्योंकि कोचिंग बहुत सारी है यहाँ। आज थर्सडे है तो यहाँ पर जो साईं बाबा का मंदिर है इसमें काफ़ी भीड़ होती है, और अभी भीड़ स्टार्ट हो गई है इनफैक्ट बारिश के वेदर में भी। और इसके बाद महादेव जी का मंदिर पड़ता है छोटा सा। और मैं आपको बता दूं इस ये जो गली है दोस्तों, जी हाँ ये गली, इसमें बहुत सारे गर्ल्स PG बॉयज़ PG हैं, तो जिनको चाहिए तो आई होप कि इससे आपको हेल्प हो जाएगी। और ये वेज कॉर्नर्स एंड खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। अब यहाँ से कपूरथला चौराहा आने वाला है, सो ये बेसिकली कपूरथला स्टार्ट हो गया है। एंड किसी को भी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी, बिकॉज ये सुसंजीवनी हॉस्पिटल है और ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है, एंड आई केयर लेजर सेंटर भी है। बहुत अच्छी सर्विस होती है यहाँ की, जो डॉक्टर ज्योति हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इनफैक्ट उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। किसी को गायनी से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल यहाँ आकर के मिल सकती हैं या मिल सकते हैं। और यहीं पर महिंद्रा की कोचिंग है दोस्तों, और ये सहारा इंडिया भवन। आ गए हम कपूरथला चौराहे पर, और दोस्तों कपूरथला से आगे जब बढ़ेंगे गोल मार्केट की तरफ तो यहाँ पर अच्छे अच्छे शोरूम्स आपको मिल जाएंगे कुछ। और मेकअप के लिए अगर आपको मेकअप परचेज करना है तो यहाँ पे रेवलॉन का स्टोर मिल जाएगा। एंड ये है पेट्रोल पंप जो गोल मार्केट और कपूरथला के बीच में पड़ता है, और ये नारकोटिक्स ब्यूरो है यहाँ पर। अब हम पहुँच रहे हैं छन्नीलाल चौराहा, अरे उसका दूर ना करूँगी। अब हम आ गए हैं पप्पू स्टोर, और मैं यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी घर। तो दोस्तों मिलते हैं, और मैं ना थोड़ी देर बाद लाइव आने वाली हूँ अपने चैनल रारा पर, तो वहाँ पर आप मेरा वेट करिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और पप्पू स्टोर ना बिल्कुल उसी तरह है जैसे स्पेंसर, लेकिन थोड़ा छोटा होता है और चीज़ें लेकिन सारी अच्छी मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।